वेलकम बैक दोस्तों, 15 ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हम टेबल व्यू पर मज़ीद काम करेंगे। तो प्रीवियस काम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें मैंने मज़ीद काम करना है। टेबल व्यू पर पहले हमने टेबल व्यू को क्रिएट किया था, उसके बाद हमने कस्टम टेबल व्यू को क्रिएट किया था, मुख्तलिफ इमेज शो किया था टेबल व्यू के अंदर। तो आज फिर मैंने क्या किया, टेबल व्यू को डिज़ाइन किया था, लेकिन आज हम इस पर मज़ीद काम करेंगे। तो हम इस पर क्लिक लिसनर लगाएंगे, यानी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज़ में जाना। मुख्तलिफ रोज़ है, इन रो पर हम क्या करेंगे, क्लिक लगाएंगे कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज़ में जाना। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहले मैं क्या करूँगा, वाइड टेबल व्यू। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ किया, लेकिन आपने जो मेथड यूज़ करना है, डेट सेलेक्ट रो फॉर इंडेक्स पाथ, तो ये मेथड हम यूज़ करेंगे। इसके बाद एफ लगाना है, एफ के बाद इंडेक्स पाथ डॉट रो इक्वल ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक एनएस लॉग मैसेज शो करेगा कि ताकि काम करता है कि नहीं। उसके बाद हम इसके साथ व्यू कंट्रोलर्स कनेक्ट करेंगे। एनएस लॉग में मैं सिंपल एक मैसेज शो करूंगा, और इसके बाद इसके मुख्तलिफ क्लासेस हम क्रिएट करेंगे, मुख्तलिफ व्यू कंट्रोलर्स क्रिएट करेंगे। एनएस लॉग में मैं लिखूँगा वेलकम टू ऑनलाइन सॉफ्ट टीच। इसके बाद एल्स एफ लगाना है, इंडेक्स पाथ डॉट रो इक्वल वन। तो इसमें भी मैसेज शो करेंगे, इसमें लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। मैं इसको कॉपी करने के बाद सेकंड और इस मैसेज को वेलकम टू पाकिस्तान। मैं अब इसको रन करूं। तो पहले हमने क्या किया, सिंपल मैसेज शो करना चाहते हैं कि हम जब क्लिक करें रो पर तो ईच रो जो है मुख्तलिफ मैसेज को शो होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने क्या किया, जब फर्स्ट पर क्लिक किया था तो लिखा था कि वेलकम टू ऑनलाइन सॉफ्ट ईच। जब दूसरा पर क्लिक किया था तो लिखा था हेलो वर्ल्ड। तीसरे पर क्लिक करो तो वेलकम टू पाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ तक प्रोसेस सही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मुख्तलिफ व्यू कंट्रोलर्स को ऐड करेंगे। तो मैं लिखूंगा सेकंड व्यू कंट्रोलर, क्योंकि फर्स्ट तो है। सेकंड व्यू कंट्रोलर आल्सो एग्जीबी क्रिएट फाइल जो है इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद यही प्रोजेक्ट में फाइल्स बनाना है, तो इन तीनों को सेलेक्ट करो। एक और फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, इसमें लिखेंगे थर्ड व्यू कंट्रोलर। ठीक है, इसको भी एग्जीबी फाइल को चेक लगाना है। क्रिएट पर क्लिक करो तो ये फाइल भी क्रिएट किया। एक और फाइल क्रिएट करना है, न्यू फाइल, तो इसमें लिखूंगा फॉर व्यू कंट्रोलर आल्सो सेलेक्ट एक्सीबी फाइल्स।
तो दोस्तों तीन फाइल्स मैंने क्रिएट किया था। अब हम क्या करेंगे, स्टोरी बोर्ड में जाना है। नेविगेशन कंट्रोल ज़रूरी है, अगर आप लोगों ने नेविगेशन कंट्रोल नहीं लगाया तो फिर आपकी ऐप रन नहीं होगा, अगर रन भी हो गया तो क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए जो है नेविगेशन कंट्रोल ज़रूरी है। नेविगेशन कंट्रोल बहुत आसान है, एडिटर में जाना है, एम्बेडेड सिस्टम, और पहले इसको सेलेक्ट करो व्यू कंट्रोलर को, एम्बेडेड सिस्टम नेविगेशन कंट्रोलर। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने नेविगेशन कंट्रोलर लगाया। अब मैं मज़ीद इस पर किस तरह काम करूँगा, एम फाइल में जाना है, एम फाइल के बाद इन तीन फाइलों को मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा, इम्पोर्ट सेकंड व्यू कंट्रोलर डॉट एच, इसके बाद इम्पोर्ट थर्ड व्यू कंट्रोलर डॉट एच, और फोर को भी इम्पोर्ट करना है, फोर व्यू कंट्रोलर डॉट एच। तो तीनों को मैंने क्या किया, इम्पोर्ट किया था। इम्पोर्ट करने के बाद अब मैं क्या करूं, इसको कमेंट करूं, एनी स्लॉग मैसेज को क्या किया, कमेंट किया था, तो लिखूंगा सेकंड व्यू कंट्रोलर /steric vc equal second view controller alloc and यानि सेकंड जो ऑप्शन है इनिशिएट विथ नेब नेम, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद steric और लिखना है सेकंड व्यू, तो या मैं ऐसा करूँ इसको कॉपी करूँ यहाँ पर पेस्ट करूँ, पेस्ट करने के बाद नेल, ठीक है। ऐसे बाद लिखो सेल्फ डॉट नेविगेशन कंट्रोलर पुश व्यू कंट्रोलर, तो इसमें वी सी लिखो, वी सी और एनिमेटेड में लिखो यस। मैं इस कोड को कॉपी करूंगा, तो इसमें कुछ सॉरी इधर वी एस लिखा और मैंने इधर वी सी लिखा, तो वी एस लिखना है, ठीक है। अब एरर ख़त्म होगा, कॉपी करना है और इसको भी कमेंट करो, कमेंट करने के बाद चेंज करो थर्ड व्यू कंट्रोलर, कॉपी करो और इस पर लगाया, तो ये हो गया। इसके बाद दोबारा मैं इसको कॉपी करूँगा, लिखूंगा फॉर व्यू कंट्रोलर और कॉपी किया, चेंज करो इधर ही। तो अब हम क्या करें, इसको रन करेंगे, रन करने के बाद अंदाज़ा होगा कि काम करता है कि नहीं। लेकिन सॉरी मैंने कुछ कलर्स वगैरह ऐड नहीं किया था, मुख्तलिफ जो व्यू कंट्रोलर को क्रिएट किया था उसमें कुछ कलर्स वगैरह ऐड नहीं किया, वो मैं ऐड करूँगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जाना है, लेकिन हमें ये किस तरह अंदाज़ा होगा कि मेरा जो व्यू कंट्रोलर है सही काम करता है। तो अब हम इसमें कुछ कलर्स ऐड करेंगे ताकि पता चल जाएगा। मैंने इसको येलो कलर दिया और थर्ड एग्जीबीम पर आ गया, तो इसको भी कुछ कलर चेंज करूंगा, इसको मैंने रेड कलर दिया। रेड करने के बाद फोर को सेलेक्ट करो और इसको मैंने ये कलर दिया। इसके बाद रन करूंगा, फर्स्ट को मैंने क्या किया येलो कलर दिया तो येलो आ गया, सेकंड को मैंने क्या किया रेड दिया तो रेड आ गया, रेड के बाद थर्ड को मैंने यही कलर दिया ब्लू, ये आ गया। तो अब अगर आप इसमें कुछ इमेज शो करना चाहते हो
या इसी तरह से आप इमेज व्यू को सेलेक्ट करो, इसमें कुछ इमेजेस लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम्पल मैं कर रहा हूँ जो स्टेप बाय स्टेप, इसका ये मकसद है कि अगर फ्यूचर में आप कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हो या डेवलप करोगे तो यही प्रोसेस है। इसी तरह से आपने मुख्तलिफ व्यू कंट्रोलर्स को क्रिएट करना है। फर्स्ट में ये इमेज लगाया, सेकंड में और थर्ड, तो इसमें भी एक इमेज लगाऊंगा। फोर लगाया, ठीक है। इसके बाद तो इसमें भी एक इमेज लगाऊंगा। तो ये इमेज आ गया। अब मैं इसको दोबारा रन करूं, फर्स्ट पर क्लिक किया तो ये इमेज आ गया, सेकंड पर क्लिक किया ये इमेज आ गया, थर्ड पर क्लिक किया तो ये इमेज आ गया। तो दोस्तों यही से इस तरह से आप मल्टीपल व्यू कंट्रोलर में काम कर सकते हो। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है और जितना मैंने किया था इसी तरह से आप जितना भी रोज़ है सब रो पर आप क्या कर सकते हो, क्लिक लगा सकते हो। बहुत आसान तरीका है जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। फिर भी अगर कोई भी मसला आप लोगों को क्रिएट किया या आप लोगों ने आपको कोई मसला आ गया तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मज़ीद काम करेंगे मुख्तलिफ़ फंक्शनलिटीज़ पर, मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स। पहले हम बेसिक को कवर करेंगे, बेसिक के बाद एडवांस लेवल पर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।